नमस्कार। इस वक्त की सबसे बड़ी ताजा खबर बिहार राज्य के पटना से आ रही है। जैसा कि आपने वीडियो में लाइव देखा, यहां पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर एक व्यक्ति के द्वारा मुक्का चलाया गया। सीएम को हालांकि कोई चोट नहीं लगी है। फिलहाल पुलिस उस युवक को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। शख्स मानसिक रूप से विचलित बताया जा रहा है। मुख्यमंत्री निजी कार्य के तहत बख्तियारपुर गए थे। सीएम पर मुक्का, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमला हुआ है। एक शख्स ने बख्तियार में उनके ऊपर मुक्का चलाया, हालांकि सीएम को नहीं लगा। पुलिस हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। नीतीश दो दिन से अपनी निजी यात्रा पर हैं। योगी के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होकर पटना लौटे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बख्तियारपुर में निजी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंचे थे। इस दौरान वे किसी मूर्ति का माल्यार्पण करने के लिए जा रहे थे, तभी भीड़ में एक शामिल शख्स ने उन पर हमला कर दिया। हालांकि समय रहते हुए सीएम की सुरक्षा में तैनात कर्मियों ने उस पर काबू पा लिया और उसको पूरी तरह जकड़ लिया ताकि वो पुनः हमला ना कर पाए। देते रहेंगे आपको ताज़ा खबरें, बने रहिए इसी चैनल के साथ। आगे बताया जा रहा है, मालूम है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर इससे पहले भी हमला हो चुका है। बिहार विधानसभा 2020 के दौरान मधुबनी में आयोजित चुनावी सभा के दौरान भी दर्शक दीर्घा में मौजूद शख्स ने सीएम नीतीश पर प्याज और ईंट से हमला किया था। इस दौरान मंच पर मौजूद सीएम के सुरक्षा गार्ड ने मुख्यमंत्री की रक्षा की थी। ऐसा ही दोस्तों ये घटना उसके बाद पुनः देखने को मिली।